News 18, India. और उधर बड़ी खबर आई कर्नाटक से। कर्नाटक के मंडिया में केसरिया झंडे पर बवाल हो गया। मंडिया के एक गांव में पिछले हफ्ते 108 फीट ऊंचे पोल पर केसरिया झंडा फहरा दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने यह झंडा हटा दिया और बताया कि उसे इस मामले की शिकायत मिली थी, लेकिन गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते मंडिया में केसरिया झंडे के मुद्दे पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही हंगामा हो गया क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, लाठीचार्ज भी किया गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज की शुरुआत तब हुई जब एक प्रदर्शनकारी डंडा लेकर दौड़ा और पुलिस के बीच से होते हुए उस डंडे से एक पोस्टर फाड़ दिया। इस व्यक्ति को पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, एक ने तो उसे पीछे से पकड़ भी लिया, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी अपना काम कर चुका था। इसके बाद पुलिस वालों ने उसको धक्का देकर पीछे धकेला और शोरगुल के बीच प्रदर्शनकारियों पर डंडे चलने लगे। भागते हुए प्रदर्शनकारियों में किसी को लाठी लगी तो किसी को धक्का देकर हटाया गया। इसी भागम भाग में सड़क पर खड़ी कई मोटरसाइकिलें गिर गईं। कुछ प्रदर्शनकारियों की चप्पलें भी सड़क पर छूट गईं। ये चप्पलें और मोटरसाइकिलें सड़क पर बिखरी नजर आईं। लेकिन लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी फिर लौटे। ये सारा बवाल मंडिया जिले के केरागोडू गांव में हुआ क्योंकि इसी गांव के लोगों ने खंबे से केसरिया ध्वज उतारने का विरोध किया और बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता उनका साथ देने पहुंचे और लाठीचार्ज के बावजूद पीछे नहीं हटे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी और कर्नाटक में उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस के कार्यकर्ता फिर लौटे। हाथों में केसरिया झंडे लेकर पहुंचे ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हाथों में डंडे लेकर खड़े पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। इससे बवाल और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए, आगे बढ़ने के लिए अड़ गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए। इस सब के बीच वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बीच कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में केसरिया ध्वज लहराते हुए ट्रक पर सवार होकर आए। ये ट्रक वहां आकर रुक गया जहां सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। इस प्रदर्शन में ज्यादातर लोगों के हाथों में हनुमान की तस्वीर वाला केसरिया झंडा था, क्योंकि यह पूरा प्रदर्शन ही केसरिया झंडे के लिए था। पिछले हफ्ते मंडिया के एक गांव में 108 फीट ऊंचे खंभे पर केसरिया झंडा फहरा दिया गया। बताया गया कि झंडे पर हनुमान की तस्वीर थी और जैसे ही जिला प्रशासन ने झंडे को पोल से उतारा, मामले पर विवाद हो गया और प्रदर्शन शुरू हो गए। ये मामला कर्नाटक के मंडिया जिले के केरागोडू गांव का है। वहां लगे इस 108 फीट ऊंचे पोल पर ही पिछले हफ्ते हनुमान की तस्वीर वाला केसरिया ध्वज फहरा गया था, लेकिन केसरिया ध्वज के उतरते ही पूरे गांव में तनाव फैल गया। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गए। गांव वाले भी ध्वज उतारने के खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि उनके मुताबिक झंडा फहराने के लिए ग्राम पंचायत ने इजाजत दी थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसने तिरंगा फहराने की इजाजत दी और पोल पर केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। इसी वजह से केसरिया ध्वज उतारना पड़ा।